दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया और कहा कि जितनी शक्तियां केजरीवाल के पास थी उतनी ही मेरे पास थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी केजरीवाल के शक्ति मिलने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने केजरीवाल की प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि शक्ति तो ठीक है, शीला की तरह समझ कहां से लाएंगे केजरीवाल। विधानसभा में केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना और उनकी शक्ति कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधानसभा में कहा था कि उन्हें शीला दीक्षित सरकार जैसी ताकत मिल जाए तब भी दिल्ली वालों के लिए बेहतर होगा। अरविंद केजरीवाल ने सदन को बताया था शीला दीक्षित सरकार के दौरान दिल्ली सरकार के पास मौजूद 5 शक्तियों को केंद्र सरकार ने उनसे छीन लिया है। यूपी के गाजियाबाद में युवक पर लगा शादी का झांसा देकर दलित युवती से रेप का आरोप, शिकायत पर मामला दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। दलित युवती के मुताबिक वो गाजियाबाद में नौकरी करती है, आरोपी युवक ने पहले उसे प्यार में फंसाया और शादी का झांसा देकर साल भर से उसके साथ रेप करता रहा। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो उसने उसका अपमान करते हुए शादी से इनकार कर दिया। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से नामी बदमाश घायल, घायल बदमाश अमित हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। पुलिस के मुताबिक उसे गुप्त सूचना मिली थी कि बदमाश मृतक अमित के परिजनों पर हमले की फिराक में था, जिसके बाद पुलिस ने नामी बदमाश की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग होने लगी जिसमें बदमाश घायल हो गया।